नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जेसीबी वाला गुरुजी में। ये 2015 का जेसीबी 3DX है और आप देख सकते हैं यहाँ की प्राइमरी फिल्टर असेंबली पूरी की पूरी हमने खोली है। क्यों खोली है, क्या खोली है, किस तरह से क्या क्या करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। ये डीजल में देख सकते हैं आप पानी किस तरह से निकला है, इस फिल्टर से वो पानी निकला है। तो ये ऊपर की बॉडी है जिसमें फिल्टर हमारा अटैच होता है। ये नीचे का वाटर सेपरेटर बोल सकते हैं आप, जिसमें कि बचा हुआ पानी जिसमें आता है। तो पानी दिखने के लिए इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। कई सारे मशीन में देखा है वैसे ही रहता है गंदा, और पानी है या डीजल है ये भी पता नहीं चलता। तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स की हेल्प से इसे थोड़ा सा इसका सबसे पहले ये नट निकालेंगे। पूरा प्रोसेस देखिए, मैं यहाँ पे आज वीडियो में ज़्यादा काट छाट नहीं करने वाला हूँ, ताकि आपको पूरा की पूरा समझना चाहिए। ये देख सकते हैं हमारा नट निकला है, ये देखिए। उसके बाद बोल्ट को आपको थोड़ा सा हल्का सा मारना है, निकल जाता है तुरंत, ये बोल्ट निकल गया। अब ये ओरिंग को भी आपको संभाल के रखना है, डैमेज नहीं करना। आप क्या करेंगे, हम ये जो नीचे की ग्लास है और ऊपर की ब्लैक वाली कैप है उसको अलग करेंगे सबसे पहले। उसके लिए आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नीचे से ऊपर थोड़ा पुश करेंगे ऊपर की कैप को तो निकल जाएगा। थोड़ा सा कभी कभी जाम होता है, ठीक है। इस तरह से नीचे ऐसा मारा तो ये निकल गया। ये ऊपर की कैप निकलते ही इस तरह की एक ओरिंग बड़ी वाली वहाँ पर आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम इस ग्लास को क्लीन करेंगे, उसके बाद ऊपर का जो ब्लैक वाला कैप था उसे भी अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। दोस्तों, ये जैसे जैसे वक्त बीतता है, 2 साल 3 साल, ये जो वाइट कलर का ग्लास होता है, मतलब पूरा पारदर्शक ग्लास होता है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा उसको येलो कलर आ जाता है, ठीक है। वो फ्यूल की वजह से वैसे होता है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप हल्का सा येलो हो गया है। जब उसे वॉश करेंगे उस टाइम पे इसमें जो भी पानी रहेगा वो पूरा हमें नज़र आएगा, दूर से ही हम उसे देख पाएंगे। वैसे तो काफ़ी सारे वीडियो में ये वाला फिल्टर किस तरह से बिटता है, कैसे खोलते हैं, उसके सारे बहुत सारे वीडियो है, लेकिन अभी तक ये ग्लास, ये वाटर सेपरेटर नीचे का किस तरह से क्लीन करते हैं प्रॉपर, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं था। तो आज वो भी हमने कर लिया है हमारे चैनल पर। वैसे दोस्तों, इतनी सारी हम अच्छी जानकारी आपको देते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी हम फ्यूचर में इस पे वीडियो अपलोड करेंगे वो आप देख सकोगे। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको वीडियो अपलोड करने के बाद पता चलेगा, सिर्फ सब्सक्राइबर करने से आपको पता नहीं चलेगा। जो साइड में बेल आइकन का एक सिंबल आता है उसको भी क्लिक करना पड़ता है आपको, ठीक है। ये हुआ हमारा ग्लास वॉश। ग्लास के बाद जो मैंने एक बोल्ट खोला था, ठीक है, ये इसका ज़रा निकाल देते हैं बाहर। ये देखो, ये बोल्ट भी थोड़ा क्लीन हो चुका है डीजल से। अब हमें ये ऊपर की कैप भी अच्छी तरह से क्लीन करनी है, नहीं तो क्या होगा, इसमें कुछ भी डस्ट या मड रहेगा तो फिर से डीजल के साथ वो ग्लास में चला जाएगा। तो ये देखना है, अगर आपके पास कोई ब्रश है पुराना वाला टूथब्रश जो रहता है हमारा, तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी साइड पे अवेलेबल। हम तो अभी किसी के घर पे नहीं है, साइड पे है, ठीक है, फिर भी निकल जाता है। ये वीडियो में आपको थोड़ा सा कलर ब्लैक है तो कुछ दिखेगा नहीं ठीक से, लेकिन आपको कोशिश करनी है, कोई ब्रश है आपके पास तो उसे अच्छी तरह से साफ करना है। अब ये ग्लास पर इस तरह से हम रखेंगे ओरिंग को, ठीक है। अंदर की तरफ आपको जो मार्किंग दिख रहा है, दोनों का एक मेल होता है और एक फीमेल मार्किंग होता है, तो उसे एक दूसरे पे रखना है, तभी आपका ये ठीक से अटैच होगा। और ऐसे इस तरह से दबाने के बाद वो अपने आप अंदर चला जाता है, कैप और वाटर सेपरेटर की ग्लास। उसके बाद ये वाला आपको बोल्ट लगाना है, बोल्ट लगाते ही ऊपर से ये वाला नट लगाएंगे। 15 नंबर का आप बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें बैठ जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है, हल्का सा लूज बैठता है,
दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा भी टाइट करना नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसा किधर पकड़ के एक हाथ से ए और ए थोड़ा सा टॉमी से, इतना काफ़ी है, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद दोस्तों ये जो सेंसर पे लगता है, ये जो नीचे का जो, जिसे आप सेंसर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सेंसर का ही काम करता है, जो पानी हमारे ये ग्लास में आता है उसको इंडिकेट करता है सेंसर के थ्रू। ये जो वायर आपको दिख रही है वो बॉडी पे, उसको वो टच होके ऊपर हमारे क्लस्टर में एक लाइट जलती है, काफ़ी सारे ऑपरेटर को पता होगा। ये यही से इसमें पानी आता है और ऊपर के नट तक चला जाता है। ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको, उसके आगे एक नट था, वहाँ तक पानी जाने के बाद यहाँ पे इंडिकेट करे। इस तरह से हमें वो ब्लैक वाले नट को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। इस ये येलो वाला जो प्राइमरी फिल्टर है उसके साथ भी एक ब्लैक वाला उसका नट आता है, ड्रेन नट, वो अलग होता है, उसमें कोई सेंसर का नट नहीं होता, वो बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद दोस्तों ये कैप भी क्लीन करनी बहुत ज़रूरी है, उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। अगर आप ये क्लैप जो कैप है जो हमारे फिल्टर को पकड़ के रखती है, अगर ये आप ठीक से क्लीन नहीं करते हो, उसके अंदर की जो मिट्टी है, जो डस्ट है, उसे आप निकालते नहीं हो इस तरह से, तो क्या होता है, ये जाम होता है। वैसे तो ये इतना लूज़ होता है, हाथ से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आराम से निकलना चाहिए फिल्टर, बट काफ़ी टाइम हमें स्क्रू ड्राइवर से ठोकना पड़ता है, मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम इसे ठीक से क्लीन नहीं करते, छोटी सी बात होती है। जब भी आपको कभी भी टाइम मिलता है तो एक बार डीजल फिल्टर खोलने के लिए आप इसे निकालते हो तो अच्छी तरह से उसको साफ कर लेना चाहिए, ऊपर से डीजल भी डालना है थोड़ा सा। वही डीजल यूज़ कर रहे हैं हम जो इसके फिल्टर से निकला है, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये बॉडी को भी अच्छी तरह से क्लीन करना है दोस्तों। ये यहाँ पे भी अच्छा सा रस्टी हुआ है, जंग लगी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसको क्लीन नहीं किया था। अंदर एक उसके ऊपर एक टॉप पे सील भी होती है जो आपको वीडियो में थोड़ी थोड़ी दिखेगी, वो सील या अंदर से एक देख सकते हैं आप, अच्छा खासा उसको डस्ट लगा है, तो उसे भी बहुत अच्छा क्लीन करना पड़ेगा आपको, ये देख सकते हैं आप। और ये जो सील है ये रबर है, वो डस्ट को हमारे फिल्टर के बॉडी में अंदर नहीं जाने देता, उसका वो काम है, उसको भी अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर आपके नज़दीक वॉशिंग सेंटर जो स्प्रे होता है, बड़ा वाला वॉशिंग सेंटर होता है ना, वो मौजूद है तो उससे भी कर सकते हैं आप, कुछ दिक्कत नहीं है, आपका डीजल बचेगा, डीजल ज़्यादा खर्चा नहीं होगा उससे। वैसे डीजल तो लगाना पड़ता है, तभी प्रेशर से मारेंगे तो आपको वो अच्छे से क्लीन होगा। देख सकते हैं आप ऊपर का बॉडी, नीचे का ग्लास, वाटर सेपरेटर, कैप, सब कुछ। तो अभी इसका क्लीनिंग हो चुका है, इसका भी हो चुका है और इसका भी हो चुका है। ये फिल्टर हम नया डालने वाले हैं, वो तो मालिक उसे लाने गया है, तब तक के लिए इतना ही। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहो हमारा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारा? हाँ, कहाँ से है तुम? इधर ही, वासलपेटा। वासलपेटा नहीं, नहीं, गांव, तुम्हारा गांव मत। कर्नाटक है ये? कर्नाटक से है। और तुम? कर्नाटक। हाँ, ये दोनों नए ऑपरेटर है, अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं।